GTA 5 इन मोबाइल। सुनने में तो ये मेरे को भी पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि भाई कहाँ 100 GB का गेम और अपना 128 का मोबाइल। बट यार कुछ क्लाउड गेमिंग ऐप के मदद से GTA 5 को हम मोबाइल में भी रन कर सकते हैं, ये मैंने यूट्यूब पे देखा था। रुक जाओ, इतना भी क्या जल्दी है। GTA 5 को कैसे मोबाइल में चला सकते हैं उसको मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे ही सर्च किया था और मेरे को मिला इतना सारा वीडियो। और गाइस सबसे बेस्ट लगा मेरे को भाई चिकी ऐप। जब मैंने फर्स्ट टाइम GTA को चिकी में रन किया था ना, मैंने भाई बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया था, जैसे कि भाई स्टोरी मोड काम नहीं करना और गाइस इसका कंट्रोल, जिसको भाई देखने के बाद तो मेरा दिमाग ही हिल गया था। बट यार ये वाला वीडियो में ना मैं आपको ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि भाई जो भी नए बंदे फर्स्ट टाइम GTA 5 को मोबाइल में खेलेंगे ना, उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और गाइस मेरी तरह ना उनको एक एक प्रॉब्लम के लिए एक एक वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, अभी चले हम सीधा भाई चिकी ऐप के अंदर चलते हैं। इधर यार अपने को घुसते ही कुछ यार कॉइन मिलेगा, जो कि भाई कितना है तो चले देखता हूँ। 5 कॉइन, ये कॉइन ना अपने को भाई अलग अलग टास्क कंप्लीट करने के बाद ही मिलता है, जैसे कि भाई इसमें आप अगर एंट्री करोगे तो आपको भाई 5 कॉइन मिलेगा। और गाइस कुछ कुछ टास्क होता है जिसको आप कंप्लीट करोगे तो भाई आपको बहुत सारा भी कॉइन मिल सकता है। तो यार चलिए अभी मैं इसको भाई कैंसिल करता हूँ। और यार आपको अगर GTA 5 इधर नहीं मिल रहा है ना, हालांकि मेरे को तो मिल गया था, आप यार ऊपर में भी सर्च कर सकते हैं, इधर मैंने पहले से सर्च किया था। तो अपने को अभी क्या करना है ना, प्ले पे दबाना है। इधर भाई सिंगल प्ले पे मेरे को भाई वाला GTA 5 को प्ले करना है। और गाइस इधर ना अपने को एक यार एड दिखाया जाएगा, तो चलिए इसको मैं स्किप कर देता हूं। और भाई अभी ना हम यार सर्वर में आ चुके हैं। इधर ना मेरे को 3 से 4 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं गेम में एंट्री कर सकता हूं। इतना बड़ा गेम है तो भाई उसका ऑडियंस तो ज्यादा होंगे ही, तो चलिए इधर मैं कुछ देर के लिए वेट कर लेता हूं। ऑलराइट गाइस अभी अपना लाइनअप भी सक्सेस हो गया, तो चलिए मैं इधर सीधा एंटर करता हूं। अपने को यार जितना जल्दी हो सके इधर एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो भाई 30 सेकंड के अंदर इसको मेरे को फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं थोड़ा यार वॉल्यूम को बढ़ा देता हूं, जिससे कि भाई अपना गेमिंग एक्सपीरियंस ना कमाल का होगा। इधर अपने को गेम के बारे में बताया जा रहा है, जिसको कि आप पॉज करके ही पढ़ सकते हैं। अभी ना यार मैं ए बटन को दबाऊंगा, क्योंकि यार ये ना अपना ओके बटन की तरह काम करता है। तो चलिए मैं ए को दबवाता हूं। और गाइस इधर ही भाई ज्यादातर बंदों का प्रॉब्लम निकलता है। मैं भी जब यार इधर पहली बार आया था ना, मेरे को भी इधर कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं सिर्फ स्टोरी मोड को क्लिक कर रहा था और ये स्टोरी मोड ना काम ही नहीं कर रहा था। इधर अपने को क्या करना है ना, जो जॉयस्टिक है उससे ही भाई स्क्रॉल करके मेरे को भाई स्टोरी मोड तक लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इधर मेरे को भाई ए को दबाना है। और गाइस अब भी अपना यार गेम भी स्टार्ट हो गया। इधर कुछ देरी के लिए भाई लोडिंग होगा, उसके बाद इसका जो मेन स्टोरी उधर से ही भाई ये गेम स्टार्ट होगा। तो चलिए मैं सीधा आपको उधर ही लेके चलता हूं। ऑलराइट गाइस अभी हम माइकल के पास भी आ गए। और गाइस इधर से ही अपना भाई स्टोरी स्टार्ट होता है। ज्यादातर बंदों को तो भाई स्टोरी के बारे में पता ही होगा, इसलिए मैं स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अभी चलिए हम सीधा सिटी के अंदर चलते हैं और इसका ग्राफिक्स का मजा लेते हैं। ओके गाइस अभी हमारा बातचीत भी खत्म हो गए, तो चलिए अभी हम सीधा चलते हैं सिटी के अंदर। और गाइस भाई साहब क्या ही यार ग्राफिक्स, लिटरली यार जैसा हम पीसी में ग्राफिक्स देखते हैं ना, उसी तरीके से भाई मोबाइल में भी भाई ये ग्राफिक्स दिख रहा है यार, क्या ही कमाल का लग रहा है भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप ये सिटी देख रहे हैं ना, ये एक फ्रिक्शन सिटी है जो कि लॉस एंजलिस के ऊपर बेस्ट है। ये गेम का कुछ कुछ जगह भाई लॉस एंजलिस से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये तो हो गया भाई इसका ग्राफिक्स की बात, तो चलिए मैं आपको थोड़ा इसका कंट्रोल के बारे में भी बता देता हूँ। अभी गाइस फ्रैंकलिन लैमर के पीछे है और मेरे को भाई फ्रैंकलिन को मूव करने के लिए जॉयस्टिक को हिलाना पड़ेगा। अगर आप इसको जंप करना चाहते हैं भाई एक्स को दबा सकते हैं और फाइट के लिए बी को दबा सकते हैं। तो चलिए अभी मैं सीधा कार में बैठता हूँ। कार में बैठने के लिए अपने को भाई वाई को दबाना पड़ेगा। अभी भाई जो अबे भाई अपना गेम यार क्रैश कर रहा है। कोई नहीं भाई, कुछ देरी के बाद यार ये ऑटोमेटिकली भाई फिक्स हो जाएगा। मैं भी यार पहले देख के भाई पूरा ही डर गया था, बट यार कुछ देरी के बाद ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया था। ऑलराइट गाइस अभी ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गए। इधर भाई गाड़ी को दौड़ाने के लिए अपने को भाई दबाना पड़ेगा RT, और गाड़ी को अगर हम पीछे लेना चाहते हैं तो भाई उसके लिए दबाना पड़ेगा LT। बट यार अभी भाई पीछे लेने का कोई भी फायदा नहीं है, मेरे को भाई लैमर को पकड़ना पड़ेगा। मैं यार इसको पहली बार
बारी खेल रहा हूँ, इसीलिए गाइस मेरे से इतना अच्छा कंट्रोल नहीं हो रहा है। बट यार इसको मैं डेली खेलूंगा तो अच्छी तरीके से मैं कार को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो चलो अभी मैं जल्दी भाई लैमर को पकड़ता हूँ। लैमर तो यार मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है भाई। लैमर को पकड़ने के बाद ही अपना ये मिशन कम्प्लीट होगा। ओ भाई क्या ही यार स्टंट मारा, मैं तो यार सोचा नहीं था गलती से मैं इतना अच्छा स्टंट मार दूंगा। कोई नहीं, चले अभी हम आगे बढ़ते। और भाई ये ड्रिफ्ट यार क्या ही भाई ड्रिफ्ट मैंने मारा। लिटरली यार इसका रियलिस्टिक ग्राफिक्स के साथ ना ये ड्रिफ्ट भाई और भी ज्यादा कमाल का लग रहा था। तो चले मैं जल्दी से लैमर को पकड़ने जाता हूँ। भाई यार इसको कंट्रोल करने में ना मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और गाइज इसका जो स्पीड वॉइस साफ, कोई नहीं चले मैं जैसे तैसे करके इसको तो कंट्रोल कर दिया था, बट अपना गाड़ी फिर से घूम गया। तो चले मैं घूम के फिर से लैमर को पकड़ने चलता हूँ, बट अपना मिशन फेल हो गया। तो यार यही था GTA 5 के बारे में कुछ बातें। आप GTA 5 को कैसे मोबाइल में रन कर सकते हैं और कुछ कुछ प्रॉब्लम जो कि भाई मैंने ये वीडियो में सॉल्व कर दिया है। अगर आप GTA 5 को मोबाइल में खेलते हुए देखना चाहते हैं ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से GTA 5 को मोबाइल में खेल के दिखाऊंगा। बाय द वे गाइस ये तो हो गया एक ऐप जिसके अंदर आप बहुत सारा PC गेम को फ्री में खेल सकते हैं। बट यार आज मैं आपको और एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि भाई है जियो गेम्स, जिसके अंदर आप बहुत सारा PC गेम को फ्री में खेल सकते हैं। बट यार इधर आपको GTA 5 देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी यार इधर भाई बहुत सारा अच्छा अच्छा गेम्स है जिसको आप खेल के अच्छा खासा मजे ले सकते हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस आपसे मैं मिलता हूँ और किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।